गुड मॉर्निंग राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हम निकल चुके हैं घर से और मैंने ये वाली साड़ी पहनी। टाइम अभी 9:40 10-15 मिनट हो गए हमें निकले हुए। सुबह सुबह ही निकल गए हैं, अभी 2-3 काम है, शाम तक ही पहुँचेंगे हम घर। तो रतलाम जाएंगे, फिर हम जाएंगे एक जगह जहाँ पर हमने काफ़ी टाइम पहले वीडियो शेयर किया था, वहाँ पर मुझे कुछ काम है। और देखो दोनों गाड़ी चला रहे हैं, मतलब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ, और मैचिंग मैचिंग दोनों है। और ये साहब जी हमारे यहाँ बैठे हैं। अला इधर आ जा चेरी, वहाँ नहीं बैठना बेटा। एक बार इसको आगे बिठा दिया और वापस पीछे बिठा के रो रहा है, देखो। और मैंने ये पहनी है साड़ी, इसी साड़ी में मेरे इंस्टाग्राम पर एक वीडियो है जो वायरल हो रही है। अभी कितने पर पहुंच गई, 8K, यानी कि 8 लाख। वन मिलियन चल जाएगा हमारे का वीडियो। तो जैसे ही हम घर से थोड़ा सा दूर आए तो यहाँ हमें दिख गए थे बुट्टे, जो कि हमारे सबके ही फेवरेट है, मतलब सबके, हम चारों के, दोनों बच्चों के, मेरे पतिदेव जी के। तो यहाँ पर मैं वापस से इनको बुट्टों को गर्म कर रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो एक रील्स भी बना ही लेती हूँ, क्योंकि इसी रील्स में, इसी साड़ी में मेरी एक रील्स इंस्टाग्राम पर वायरल हुई है। तो मैंने सोचा चलो ये भी कहीं वायरल हो जाए तो अच्छा है। मतलब कोई कोई ऐसी है जो रील्स चली जाती है, वायरल हो जाती है। तो यहाँ हमने गर्म करके खा लिए हैं बुट्टे, ये देखिए। और हमने ऐसा पैक करके ले लिए, मतलब पैक करके खाएंगे, गरम गरम रहेगा तो अच्छा रहेगा। बहुत ही अच्छे 10 रुपये में बुट्टे दे दिया, पर टेस्टी इतने लगे थे, मीठे मीठे खाते। अरे हम तो आते रहते हैं, यही खाते हैं। अरे यूं बोल रही हूँ कि हम तो हर बार यहीं से खाते हैं। हाँ यहाँ वो रहते हैं ना, आपके पापा रहते होंगे शायद। हाँ खाते हैं हम यहीं से। चल नीचे पीछे आ जा। मौसम भी इतना अच्छा हो रहा है और हम जा रहे हैं रतलाम, क्योंकि अभी हमें रतलाम ही जाना है। सुबह सुबह ट्रीटमेंट करवाना है, ट्रीटमेंट तो क्या करवा ही रखा है, मतलब एक बार और वापस से डॉक्टर बुलाते हैं, 10-15 दिन में वापस चेक करते हैं कि क्या प्रोग्रेस हुआ है, यानी कि कुछ हेल्थ में, तो उसी के हिसाब से वापस वो गोली दवाई देते हैं। और हमने है ना आज खूब इंजॉय किया, मतलब बच्चों ने, हमने खूब इंजॉय किया, मतलब कहीं भी ऐसा नहीं है कि हाँ कि यहाँ इंजॉय नहीं हुआ। और ये देखिए चेरी बाबू का आधा बुट्टा ख़त्म हो चुका है, आधा अभी पड़ा है, उसको छुपा के रख रहा है, पता नहीं कब खाएगा। तो हम बुट्टे इंजॉय करते करते पहुँच गए हैं रतलाम, थोड़ी देर में ही अब जाएँगे डॉक्टर के पास, फिर कुछ सामान। नानी जी की वहाँ तो शायद शाम तक पहुँचेंगे बेटा। लिपस्टिक निकल गई बुट्टे खाने की वजह से, सारी लिपस्टिक निकल गई। अरे ना बुट्टे लिए वहाँ वीडियो बनाए तो भैया क्या बोलूं, वो ये कितने गुर्रा रहे, कांच में इनकी आइस दिख रही है वो ही। मैं आगे तक तो हाँ दिख ही रहा है कार में सफर करा के, तो मतलब कहीं दिखे ही को नहीं, गाड़ी पर बैठा के तो सब दिखे रहे। हाँ यार कहीं दिख नहीं, बंद रह जा 5-6 तो ट्रैफिक, पीछे इतना ट्रैफिक लग गया हमारे लाइन में, आगे इतना ट्रैफिक लगा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिखता है। गाड़ी का बहुत ही यही सिस्टम है कि हमें कुछ नहीं दिखता है। कौन सा घोड़ा है वो, चेतक। हाँ क्या नाम है उसका, ये हमारा रतलाम है, क्या है, हाँ ये हमारा रतलाम है। हाँ हाँ ये भी बोल रहा हमारा। तो हम है ना ज़्यादा कुछ शूट तो नहीं किए, फिर मतलब डॉक्टर को दिखाने के बाद हम यहाँ वापस आ गए साड़ियों की दुकान पर। इस बार मैं मेरे लिए नहीं लेने आई हूँ, आप घबराना मत मुझे ऐसे साड़ियों की दुकान पर देख के। मेरे हस्बैंड जी की काफ़ी मतलब बहनें हैं, तो रक्षाबंधन आ रही आपको पता ही है, तो बस उन्हीं बहनों को, मतलब हमारी नंदे हैं उनको गिफ्ट देने के लिए मैं यहाँ से साड़ियाँ सिलेक्ट करी हूँ।
और 5 से 6 साड़ियाँ हमने ले ली है यहाँ से। तो मेरे यहाँ पर ये फिक्स दुकान है रतलाम में, मुझे मतलब रिजनेबल प्राइस में अच्छी साड़ियाँ मिल जाती है। और उसके बाद मैं वापस आ गई हूँ मैं मार्केट में, तो यहाँ से हमने राखी वगैरह कुछ लिया सामान, क्योंकि वापस से हमें रतलाम से डायरेक्ट जाना था, जहाँ मैंने पहले वीडियो शेयर किया था कि मेरे जो गोद बिठा थे ना शादी होती उसके बाद में, वहाँ वो दादाजी थे तो वो शांत हो गए थे, तो उनकी जो फर्स्ट राखी का त्यौहार है ये, तो मुझे वहीं जाना है। तो वहाँ भी मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि माहौल ही थोड़ा अलग रहता है, आपको पता ही है। तो यहाँ से हम ले लेते हैं मिठाई, यहाँ वहाँ के लिए भी हमने पैक करवा के ले ली, और हमने बच्चों के खाने के लिए भी पैक करवा ली थी यहाँ से मिठाइयाँ ले ली है। मिठाई। टाइम अभी 1 बज गया होगा, हम डॉक्टर को दिखा के आ गए हैं वहाँ से, फिर मुझे इतनी सारी गोली दवाई दे दी है, 1 महीने की गोली दवाई दी है। उन्होंने बोला 1 महीने बाद वापस रिपोर्टें जाँचें मतलब जाँचें होगी। तो हम यहाँ बैठे हैं, गाड़ी हमारी यहाँ पार्क कर रखी है, पता नहीं कहाँ पतिदेव जी चले गए हैं, 5-10 मिनट हो गए, तो हमने गाड़ी में ही नाश्ता वास्ता कर लिया। और हालत देखो हमारी क्या हो गई है, चिप्स खा रहा हूँ बोल दे। और तेरे क्या चल रहा है देखे, ये देखो गाँटी है सिक्के दिखाने के लिए, और ये लाए थे हम हमारे कुछ बच्चों की चीज़ें हमने खा ली, चिप्स गाँठिया मिठाई हमने थी वो मतलब दिखाई नहीं, पर हमने सारा कुछ खा लिया। पति देव जी कुछ काम से गए थे तब तक, मतलब हम तीनों ने ही खाया है। और ये देखिए वापस से चल पड़े, लेकिन यहाँ से हाथी निकला था तो मैंने उसको शूट किया था, लेकिन गाड़ी इतनी तेज़ थी कि उसको शूट नहीं कर पाए अच्छे से, तो थोड़ा बहुत मैंने उसको थोड़ा स्लो कर दिया है। और बाबा रामदेव की क्या बोलते हैं यात्रा निकल रही है, मतलब जा रहे हैं। तो अब हम पहुंच गए हैं डलोट, जी हाँ यहीं पर हमें आना था, हाँ यहीं पर मतलब मुझे शादी के बाद गोद बिठाते हैं, जो यहीं पर मेरा बिठा रखा था, तो यहीं पर मुझे आना था, लेकिन यहाँ मैं कोई ज़्यादा शूट नहीं कर पाई क्योंकि वो कहता है ना खुशी का त्यौहार नहीं था, मतलब मौत का त्यौहार था आप समझ सकते हो, तो इस वजह से यहाँ मैंने ज़्यादा शूट नहीं किया। बस यहाँ आए हम, खाना वाना खाया हमने, फिर राखी बांध कर वापस से निकल गए अब हमारे घर की ओर। टाइम अभी समथिंग 6 बज गया होगा, और ये देखिए बाबा रामदेव जाने की कितनी भीड़ लगी है, पूरे रास्ते में यही भीड़ दिखेगी आपको। मैंने आपको बोला था ना कि हमने खूब इंजॉय किया, तो वही सॉन्ग इतने चल रहे थे गाड़ी में, इसीलिए मैंने गाड़ी में कोई ज़्यादा शूट नहीं किया। पहुँच गए हम फाइनली दलोदा, ये हमारे दलोदा का थोड़ा बहुत सीन है, अंधेरा हो गया था यहीं दलोदा में ही, कहीं नहीं रुके हम, बस डलोट से निकले थे डायरेक्ट हम हमारे घर ही रुकेंगे, अब आपको डायरेक्ट घर पर ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ क्या है दलोदा है, तो थोड़ा बहुत आपको दिखा रहे हैं कि हमारे दलोदा का सीन, नाइट हो गया है तो ज़्यादा कुछ तो नहीं दिखेगा, हाँ लेकिन फिर भी जो यहाँ आसपास का होगा उनको तो पहचान में आ ही जाएगा। सो फाइनली अब हम पहुँच गए हैं घर। घर आए तो मम्मी जी यानी कि मेरे सास और ससुर यहीं थे, क्योंकि ये मेरी मम्मी को मिलने आए थे, कहीं मतलब आसपास के गांव में आए थे कुछ काम से, तो ये डायरेक्ट सीधा यहाँ पर आ गए, और हमसे पहले हमारे मम्मी पापा के पास बैठे थे, ये खाना वाना खाने ही जा रहे थे, तो हमने सबको यहाँ के धो को दिया। और पापा जी से पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ कि दाढ़ी मतलब इन्होंने डाई करवाई है मूछों पर, वही मैं इनको बोल रही हूँ, हंसी मजाक कर रही हूँ। तो यहाँ ये खाना खाने बैठे थे, हमने तो खाना वहाँ खा लिया था, हमने कुछ नहीं खाया यहाँ। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, क्योंकि बहुत नाइट हो गई है। चलिए मिलते हैं कल अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव योर फ्रेंड।